वालेकुम डियर स्टूडेंट्स पिछले सेशन में मैंने आपके साथ डॉक्टर मोहम्मद यूनस की केस स्टडी शेयर की डेवलपिंग कंट्री से पोरेस्ट ऑफ द पोअल के साथ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ के, के ज़रिए से एक मॉडल सेट किया इस सेशन में जो केस स्टडी मैं आपसे शेयर करूँगी वो डेवलप्ड वर्ल्ड से एक रिच कंट्री से है मैं ये डिमॉन्सट्रेट करना चाहती हूँ कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो महज़ गरीब लोगों के समाजी मिसाइल हल करने का नाम नहीं है बल्कि यह हर कॉन्टेक्स्ट में एक इंतहाई यूजफुल कॉन्सेप्ट है जो रिच कंट्रीज में भी इक्वली एप्लीकेबल है आज की केस स्टडी जो है वो है पीटर फ्रम्पटन लर्निंग एनरिचमेंट फाउंडेशन टोरंटो कैनेडा पीटर फ्राम्पटन मैनेजर हैं लर्निंग एनरिचमेंट फाउंडेशन के जो कि टोरंटो के एक बैकवर्ड या डिसडवान्टज एरिया यॉर्क में कायम है लर्निंग एनरिचमेंट फाउंडेशन या एल ई एफ जो है वो स्किल बेस्ड लर्निंग बेस्ड ट्रेनिंग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को ट्रेनिंग अपॉरचुनिटीज स्किल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फ्राहम करती है और उनके लिए बादजा एम्प्लॉयमेंट का इंतज़ाम भी करती है लेकिन किस तरह से उन्होंने इसको एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ के ज़रिए से इस काम को किया है इसको हम पीटर फ्रैम्पटन के साथ होने वाले एक इंटरव्यू के ज़रिए से शेयर करेंगे मैंने ये इंटरव्यू मोड इसलिए चुना कि पीटर फ्रैम्पटन की अपनी ज़बानी जिस तरह उन्होंने बताया कि वो सोशल एंटरप्रेन्योर क्यों या कैसे बने वो क्या एक्टिविटीज़ करते हैं वो इतना अच्छा और इतना इफेक्टिव है कि अगर हम लर्निंग फाउंडेशन की केस स्टडी पढ़ते या उस पर बात करते तो शायद इतनी आसानी से समझ ना आती पीटर फ्रैम्पटन से सवाल किया गया कि आप सोशल एंटरप्रेन्योर क्यों बने या व्हाट मोटिवेटेड यू और उनका सादा सा जवाब था उन्होंने कहा मेरी कम्युनिटी की नीड्स नीड्स ऑफ माय कम्युनिटी जो कि गवर्नमेंट पूरा नहीं कर सकती थी उनको पूरा करने के लिए हमने सोचा कि हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें कुछ इस किस्म के वेंचर्स करें कि वो लोग जो गवर्नमेंट की मदद के हकदार नहीं है कैनेडियन गवर्नमेंट मुख्तलिफ़ किस्म की जो आ, लोगों को सहूलियत देती है उनके हकदार नहीं है उनको सपोर्ट किया जा सके उनको हेल्प किया जा सके उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके जब उनसे पूछा गया कि किस तरह आपने एंटरप्रेन्योरशिप और ये वेलफेयर का काम जो है उन्हें कंबाइन किया तो उन्होंने बताया कि उनकी तकरीबन सारी ही एक्टिविटीज़ जो हैं वो एंटरप्रनोरियल हैं मसलन उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी चाइल्ड केयर की एल जो है वो चाइल्ड केयर सेंटर्स ऑपरेट करती है ऑफ़ कोर्स वहाँ पे फी फस्ट सर्विस है एंटरप्रन्योरशिप है कि लोग पैसे देते हैं और अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या जिन्हें गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं मिलती अपने बच्चों के लिए एल उनके बच्चों को भी लेती है और रिटर्न में या तो उन्हें थोड़ी सी सब्सिडी दी जाती है या वो पेरेंट्स जो हैं वो एल के किसी प्रोग्राम में शामिल होकर अपनी सर्विसेज देते हैं जिस यानी वो इन काइंड पे करते हैं या फिर उन्हें किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन्वॉल्व कर दिया जाता है जिसके बाद उनकी एम्प्लॉयमेंट का इंतज़ाम होता है और एम्प्लॉयड होने के बाद वो 18 माह के अंदर वो कर्ज़ा वापस कर सकते हैं जो चाइल्ड केयर और उनकी ट्रेनिंग पर लगा था इस तरह से एल जो है वो उनको एक फ्री सर्विस भी दे रही है और साथ अपने प्रोग्राम को चलाने के लिए फंड्स भी जनरेट कर रही है पीटर फ्रम्पटन ने बताया कि उनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वही उनकी शायद सबसे बड़ी कामयाबी भी है उनके लिए चैलेंज ये था कि एल का कोई कोर फंड नहीं था कोई बड़ी सारी ग्रांट कोई ऐसा डोनेशन जिससे ऑर्गेनाइजेशन शुरू की गई हो कोई सीड मनी ऐसा कुछ नहीं था उन्हें वो तरीके सोचना थे जिनके ज़रिए से वो पैसे कमाएं और लोगों को सर्विसेज दे सकें इसीलिए उन्होंने अपने मुख्तफ़ प्रोग्राम्स जो हैं उन्हें स्किल्स ट्रेनिंग्स और एम्प्लॉयमेंट जो है उनको आपस में नेट किया वीव थ्रू इस तरह किया कि लोग ट्रेनिंग हासिल करें स्किल्स लें उनके एल के एम्प्लॉयर्स से रबे हैं कम्युनिटी के अंदर और एम्प्लॉयर्स को वो पूछते हैं कि आपको किन स्किल्स के बंदे चाहिए उस तरह की स्किल्स वो लोगों को प्रोवाइड करते हैं और फिर उनको एम्प्लॉय कर दिया जाता है जहाँ से एल की अपनी फंडिंग भी आती है जब पीटर फ्रैम्पटन से पूछा गया कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को कनाडा में पढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए तो उन्होंने बहुत अजीब जवाब दिया उन्होंने कहा कि सोशल एंटरप्रेन्योर को फेल होने की इजाज़त मिलनी चाहिए या वो फेल हो सके। बहुत अजीब बात है लेकिन उसकी उन्होंने एग्जाम्पल दी एलईएफ का एक वुडवर्क प्रोग्राम है जिसमें वो बच्चे जो स्कूल से भागते हैं या किसी वजह से जेलों में हैं उनको वर्कशॉप में ला के लकड़ी का काम सिखाया जाता है और साथ साथ बहाने से काउंसलिंग की जाती है कि या तो वो स्कूल वापस चले जाएं या फिर काम सीख कर कहीं काम करने लग जाएं ताकि वो एक अच्छी पॉजिटिव लाइफ गुजार सकें अगर मनी वाइज देखा जाए तो इस प्रोग्राम में कोई फ़ायदा नहीं है कोई एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी नहीं है लेकिन जो सोशल बेनिफिट है वो इतना है कि वाकई आपको समझ आती है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को फेल होने की इजाज़त मिलनी चाहिए थैंक यू